आज हम बनाएंगे एग रोल। मैंने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। बाजार में मैदे का एग रोल मिलता है जो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। मैंने इसे आटे से बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने चालू कर दिया है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई गर्म हो चुका है। कढ़ाई में हमने एक चम्मच सरसों तेल डाल दिया है। इसमें हमने एक कटोरी पत्ता गोभी डाल दिया है। एक कटोरी हमने शिमला मिर्च डाल दिया। एक कटोरी हमने प्याज डाल दिया। तीनों को हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। चलिए इसे हम मिला लेते हैं। चलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच ओरिगेनो डाल देते हैं और एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और इन सभी को मिला लेते हैं। सब्जी को एक मिनट तक भूनना है। हमें सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सब्जी का कच्चापन दूर करना है। चलिए इसे हम मिला लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हमने एक कटोरी आटा डाल दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है। इन सभी को हम मिला लेते हैं। आटे में पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे को हमें अच्छी तरीके से मांडना है। जिस तरीके से हम रोटी का आटा मारते हैं ना, उसी तरीके से आटे को हमें मांडना है। एक कटोरी आटे में तीन एग रोल बनेगा, लेकिन मैं आपको दो एग रोल बना के दिखाऊंगी। आटे को हमने अच्छी तरीके से मार लिया है। चलिए इसे हम ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। हम प्लेट हटा के आटे को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। चलिए हम लोई बना लेते हैं। देखिए, हमने एक कटोरी आटे में हमने तीन लोई बनाया है। हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा लोई बनाया है ताकि पराठा है ना, थोड़ा सा बड़ा बने। आप छोटा पराठा भी बना सकते हैं। अगर आप छोटा पराठा बनाएंगे तो थोड़ा छोटा छोटा लोई बनाएं। सारे लोई बनके हमारा तैयार हो चुका है। सूखा आटा लगा के हम पराठे को बेल लेते हैं। हमें पराठे को बड़ा बेलना है और लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बेलना है कि पराठा फटने लगे, क्योंकि जो आटे का पराठा है ना, ज़्यादा बड़ा बनाने से फटने लगता है। चलिए इसे हम परत लगा के बेल लेते हैं। अगर आप मैदे का पराठा बना रहे हैं तो मैदा फैलता है, जिसके कारण पराठा बड़ा बनता है। आप छोटा पराठा बनाए या बड़ा पराठा बनाए, टेस्ट तो सेम ही आएगा। जिस पर भी आप पराठे को बेलते हैं, अगर आपका पराठा चिपकता है तो उस पर आप आटा डाल के पराठे को बेल लें। पराठा हमने बेल लिया है। चलिए इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ आटे से एग रोल बनाना बताया है। आप मैदा से भी एग रोल बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा आटा से भी एग रोल बना सकते हैं। देखिए, हमारा पराठा बन चुका है। पराठे को हम प्लेट में निकाल देते हैं। गैस हमने चालू कर दिया है। गैस के ऊपर हमने डोसे का तवा रख दिया है। तवा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हमने पराठे को डाल दिया है। चलिए हम पलट लेते हैं। आटा मार के आटे को हमने 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया था। आटा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका था, देखिए, जिसके कारण जो पराठा बहुत ही सॉफ्ट बना है और देखिए हमारा पराठा भी फूल रहा है। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। इसमें हम तेल लगा देते हैं। देखिए, चम्मच से हम अच्छे तरीके से फैला लेते हैं तेल को। चलिए फिर से पराठे को पलट लेते हैं और तेल डाल के तेल अच्छे तरीके से फैला देते हैं पराठे पर। चलिए हम पराठे को पलट लेते हैं। इसे दबाते हुए अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। देखिए, गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है, हमने लो नहीं रखा है। अगर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो हमारा जो पराठा है ना, वो कड़क हो जाएगा।
पराठा हमारा बन गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए गैस का फ्लेम हम धीरे कर देते हैं। अंडे को हम फोड़ लेते हैं और देखिए एक पराठे के लिए हमने 2 अंडा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे फेंट लेते हैं। अंडा हमने फेंट लिया है, तवे पे हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसे हम फैला लेते हैं। चलिए अब हम अंडे को डाल देते हैं और इसे चम्मच की सहायता से इसे फैला लेते हैं। चलिए इसे हम पकने देते हैं जब तक दूसरा अंडा फोड़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और नमक डाल के इसे फेंट लेते हैं। हमारा अंडा फेंट चुका है, देखिए इसके ऊपर हम पराठे डाल देते हैं और इसे सेट कर देते हैं। इसे हम दबा देते हैं ताकि आमलेट के ऊपर अच्छे तरीके से पराठा चिपक जाए। इसे हम पलट लेते हैं, देखिए अंडा सिक चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा आमलेट भी बनाएं और देखिए जितना बड़ा आपका पराठा है ना उतना बड़ा आप आमलेट बनाएं। गैस का फ्लेम हमने धीरे रखा है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, जब आप अंडा फेंटते हैं ना उस समय आप हरी मिर्च काट के डाल दें या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप इसे बीच में देखते रहिए कि आपका जो आमलेट है ना वो सिका कि नहीं सिका। चलिए इसे हम पलट लेते हैं, देखिए हमारा आमलेट सिक चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। एक रोल ले लेते हैं, एक चम्मच हरा धनिया की चटनी डाल देते हैं, एक चम्मच सेजवान चटनी डाल देते हैं और एक चम्मच सॉस डाल देते हैं। इसे हम अंडे पर अच्छे तरीके से फैला लेते हैं। चटनी को हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है, जो सब्जी हमने भून के रखा था ना उसे हम सेंटर में रख देते हैं। और देखिए हमें एग रोल में ज़्यादा सब्जी भी नहीं डालना है और कम सब्जी भी नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा सब्जी डालेंगे जब हम एग रोल को फोल्ड करेंगे उस समय सब्जी गिरने लगेगा। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा सॉस और थोड़ा सा हरा धनिया की चटनी डाल देते हैं। हम बीच में से मोड़ देते हैं, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें हमने नीम का सीक लगाया है, चाहे तो आप टूथपिक भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमें दूसरा एग रोल भी बनाना है। अगर आपको क्रीमी पसंद है तो आप इस जगह पर थोड़ा सा मेयोनीज भी डाल सकते हैं। इस सब्जी के अलावा अगर आप दूसरी सब्जी डालना चाहते हैं तो आप गाजर और सोयाबीन भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सब्जी ना हो तो आप प्याज टमाटर और सोयाबीन भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप कच्चा पनीर को किसके डाल दें, इससे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
हमारा दोनों एग रोल बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसे हम सजा देते हैं। हमने एक्स्ट्रा आमलेट बनाया था, उसे हमने पीसेस कर दिया है। चलिए इसे हम रख देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम सॉस डाल देते हैं। साइड में सॉस रख देते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी बनी है।